Good morning. I am Simran Saxena from Dialysis Department, 4th SEM. Today I am going to tell you about renal diet in a dialysis patient. अगर किसी patient को dialysis होती है तो उसके जो कुछ nutrients हैं उनका amount हमको plan करना होता है कि कितना कितना amount हम उस patient को देंगे nutrients का. तो first nutrient है हमारा phosphorus. Phosphorus जो है वो एक mineral है जिसका amount अगर body में high होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे लाइक मसल पेन हो जाता है, बोन्स बॉडी में ही ब्रेक डाउन होने लग जाती है. तो इसका अमाउंट हमको 1000 फास्फोरस पर डे रखना होता है. और फास्फोरस रिच फूड्स होते हैं जैसे लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा पोटेशियम. पोटेशियम जो होता है वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है बिटवीन सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स. पोटेशियम के अगर अमाउंट जो है वो हाई हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जस्ट लाइक इरेगुलर हार्ट बीट और बॉडी एक एंड मैनी मोर. पोटेशियम रिच फूड्स होते हैं जस्ट लाइक पपाया, बनाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा. पोटेशियम का रेंज होती है बॉडी में, मतलब कितना अमाउंट हमें देना होता है वो होता है 2000 mg पर डे. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा सोडियम. सोडियम की डाइट को कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट का अमाउंट हमको अवॉइड करना चाहिए. सॉल्ट कम लेना चाहिए, उसका इनटेक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो. और कुछ क्रैकर्स होते हैं, हॉट डॉग हो गया, जैसे फास्ट फूड्स वगैरह, क्रैकर्स, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, इन सब का जो अभी इनटेक है वो हमें अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल्स डेवलपमेंट, टिश्यू डेवलपमेंट, बोन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और मेन सोर्स होता है एनर्जी का. इसका डेली रिक्वायरमेंट होती है 7 to 8 oz पर डे. नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग फ्लूड इनटेक. अगर एक डायलिसिस पेशेंट है उसकी बॉडी में जो यूरिन का आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी फ्लूड जो होता है बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्ट डिजीज हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, और लंग्स में प्रेशर लगता है और बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं. तो डायलिसिस पेशेंट को उतने अमाउंट में ही फ्लूड इनटेक करना चाहिए जितना उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. थैंक यू.